example, this is set A and another set B is सब का मतलब होता है छोटा. सेट से थोड़ा छोटा सेट हो, ऐसा सेट विच कंटेन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. ठीक है, विच कंटेन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट, गिवन सेट, फॉर एग्जाम्पल 1, 3 and 5. 1 इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट ए, 3 इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट बी, सॉरी सेट ए, एंड 5 इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट ए. सो सेट बी कंटेन्स सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. ए हमारे पास ये सेट है और बी जो है वो इसके कुछ एलिमेंट्स का सेट है. इस सेट ए में से कुछ एलिमेंट्स हमने निकाल के लिख दिए और वो हमने कह दिए सेट बी. सो ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी इज सबसेट ऑफ ए. दिस इज द नोटेशन ऑफ सबसेट. ये एक यू जैसे आप इसको यू सीधा लिखते हैं, इसको आपने गिरा देना है और इसके नीचे एक लाइन. दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. अब यहां देखिए जो छोटा सेट है वो हमेशा यहां बंद वाली साइड पे आएगा और जो बड़ा सेट है वो जहां मुंह खुला हुआ है उस साइड पे आएगा. बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए. ठीक है, बी जो है वो सेट ए का छोटा सेट है. इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा. बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, बी एंड ए आर सेट्स. ओके, अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए सबसेट, टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट मोर क्लियर. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव, फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्कल, दिस कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, और एक और हमने इसके अंदर सर्कल बना दिया विच कंटेन्स द, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट बी कंटेन्स एलिमेंट्स 3 and 4. सो ये बड़ा है और इसके अंदर ये छोटा सेट है, तो ए बी इज सबसेट ऑफ सेट ए. इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 एंड बी सेट कंटेन्स 3 and 4. सो विच इज सबसेट ए और बी, ए बड़ा है या बी बड़ा है? बी छोटा है एंड ए बड़ा है. सो बी इज सबसेट ऑफ सेट ए. ओके, सो राइट द प्रॉपर डेफिनेशन नाउ. सो नाउ यू फाइंड सबसेट एज सबसेट. सपोज इफ अ सेट ए इज अ सेट, ये सेट का नेम है, इसको आप बी कहते हैं. अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. इफ कब होगा सबसेट, सेट बी जो है वो सबसेट कब होगा? इफ every element of set B is also a set B is a subset of set A. If every element in set B is also an element of सेट ए. ठीक है, सेट बी जो है उसका हर एलिमेंट सेट ए में भी होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज ए बी सी डी ई एंड बी इज ए एंड ई, सो नाउ टेल मी विच
B is subset of A. This shows that B is subset of set A. Okay? Subset क्या होता है? ऐसा set जो हमारे पास कोई भी for example एक set हमने ले लिया, उसमें से एक छोटा set हमने निकाल लिया, उसी के अंदर से कोई भी दो ले ले, एक ले ले, तीन ले ले, कुछ elements हमने निकाल के अलग set बना दिया, तो that set is known as subset. Listen again, देखे, आपके पास एक set है, उस set में से आपने एक और कुछ दो चार elements pick करके एक और set बना लिया, that set is known as subset. Okay? And you know that subset is denoted by this symbol. Okay. Next, there are some important points which you should note in your notebook. Subset clear hai? That a set is subset of set B if it contains all the elements. Okay? Ke aapke paas for example subsets ki hi hum example dekh lete hain. For example a set C is A E I O U and a set D is A I. Now tell me which is the subset? Which is the subset of set C? Subset of set C is D. So D is subset of set C. You can write any other subset. For example, you can write E is equal to A. This is also subset of C. I, this is also subset. Which type of this is set? This contains only one element. So this is singleton set. Okay? So, आपके पास जब आपने subset लिखना है, तो आपके पास empty set भी आएगा, singleton sets भी आएंगे और set पूरा का पूरा भी आएगा. अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम sets और subsets लिख सकते हैं. Okay, now I am writing a set. For example, set A is Y, E, L, O, and W. This is the set of letters of word yellow. Okay? So now tell me what will be the subsets. Ek to nahi hoga, bahut sare honge iske subsets. To aap mujhe one by one koi se likhwa dijiye. For example, ab yahan hum subsets likh rahe hain. Subsets. Ek subset kya ho sakta hai? Y may be subset, E may be subset, koi aur set likhwaye, L bhi ho sakta hai, Y, E bhi ho sakta hai, kuch bhi ho sakte hain. Aapke paas jo ye 5 letters hain, Y, E, L, O and W, in sab ko mila ke aap jitne possible likh sakte hain, they all are subsets of set A. Okay? They all are subsets. Ke bahut sare sets honge. Ab hum dekhenge ki how to find subset. Proper isko hum subset kis tarah se find out karte hain, we'll see in the next lesson. Inshallah on Tuesday. But aaj hum ye thoda sa dekh lein ki sets ko hum kis tarah se, hame kaise pata chalega ki kitne number of sets honge. For example, if a set A contains two elements, then the number of subsets will be number of subsets will be कितने होंगे? Two की पार में आपने कितने elements हैं इसके? Two. So two की पार में two लिख देना है, which is equal to four. So the number of subsets of set A will be four. आपके पास जितने number of elements होंगे आपने उनको two की पार में लिख देना है. For example, if a set contains three elements, 1, 2, and 3. तो आपने इसके number of subsets find out करने के लिए 2 की पावर में क्या लिखेंगे? 3, which is equal to 2 multiply 2 multiply 2 8. Okay? So this is how you can find the number of subsets. So define subset in your neat copies and
write a set and write at least 5 examples in your neat copies of subsets. Okay, thank you students. Allah Hafiz.